Good morning, student. In previous video, we learned how to write alphabet A to D. And today, I am going to teach you our next alphabet E to F, G, H. Fine. Let me start. Write to E. First step is a standing line. First, we draw a standing line. Then second step, slipping line. Third step, other slipping line. And fourth step, one more slipping line. Fine. बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ से सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट ई कैसे लिखते हैं. ठीक है, सबसे पहले बच्चों 1, 2, 3, ये आपकी जो वर्ब बुक है उसमें 3 लाइन्स पे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम जो रेड लाइन है उस पर एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. थर्ड स्टेप में ब्लू लाइन पे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप में जो नेक्स्ट ब्लू लाइन है उस पर एक और स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. ये स्लिपिंग लाइन इक्वल होनी चाहिए बच्चों, ये तीनों जो स्लिपिंग लाइन है इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, और एक स्टैंडिंग लाइन से टच होनी चाहिए, ज्वाइन होनी चाहिए. तो ये हमारा बनता है अल्फ़ाबेट ई. फाइन, आप प्रीवियस क्लास नर्सरी में भी बच्चों ये लिख के सीख के आ चुके हैं. अब हम फिर से इसका रिवीजन कर रहे हैं. फाइन, लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन जो 3 लाइन्स के अंदर बन रही है बच्चों. रेड लाइन से टच होके नीचे ब्लू लाइन पर टच होती है. ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में हम यहाँ ऊपर रेड लाइन पे एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. थर्ड स्टेप में ब्लू लाइन पे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप में अदर ब्लू लाइन पे स्लिपिंग लाइन एक ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस तरह से 1, 2, 3 स्लिपिंग लाइन ड्रॉ होती है और ये बनता है हमारा अल्फ़ाबेट ई. फाइन, चलिए ई फॉर इंजन. नेक्स्ट, फिर से हम ट्रेस करते हैं डॉट्स को इस तरह से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट विदाउट डॉट भी हम ट्रेस कर लिखेंगे बच्चों. देखिए, ये जो ऊपर रेड डॉट है इसमें सबसे पहले आप यहाँ से अपनी पेंसिल से यहाँ पे अपनी पेंसिल रखेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. नीचे ब्लू लाइन पे टच होती है. ठीक है, फिर फर्स्ट स्लिपिंग लाइन, सेकंड स्लिपिंग लाइन एंड थर्ड स्लिपिंग लाइन. इस तरह से क्या बन गया अल्फ़ाबेट ई. ई फॉर इंजन एंड ई फॉर एलिफेंट. ठीक है, आप इस तरह से बोल बोल के इनको लिखेंगे बच्चों. स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, 3 स्लिपिंग लाइन्स. ठीक है, यहाँ पे हम कितनी स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 3. और स्टैंडिंग लाइन कितनी है बच्चों, 1, ओनली 1, ऐसे. ठीक है, तो ये आपका अल्फाबेट ई बनता है. ई फॉर एलिफेंट एंड ई फॉर इंजन. आप भी ऐसे बोल बोल के लिखते जाएंगे बच्चों, ताकि आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, है ना. आप पढ़ना भी सीख जाएंगे कि ई फॉर क्या होता है. और ये बच्चों आप खुद से करेंगे, ये आपको खुद को पूरे अल्फ़ाबेट लिखना आना चाहिए, लर्न भी होनी चाहिए. ठीक है ना, लर्न भी होना चाहिए. ई, ई फॉर एलिफेंट, E for elephant, E for elephant, E for engine. Next, नीचे वाली lines भी complete करेंगे बच्चों. इस तरह से, है ना, अपनी pencil को बहुत अच्छे से चलाना, mistake नहीं होनी चाहिए. और अगर मिस्टेक होती है तो आप उसको इरेज करके फिर से लिखेंगे. और ये तीनों स्लिपिंग लाइन स्टर्निंग लाइन से जॉइंट होगी. ठीक है ना, इसको टच करेगी, बिल्कुल जुड़ेगी इससे, अलग से नहीं बनाएंगे आप ऐसे. नेक्स्ट है स्मॉल ई. स्मॉल ई बच्चों, हम कैपिटल और स्मॉल लेटर एक साथ लिखना सीख रहे हैं ना. स्मॉल ई कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए, फर्स्ट स्टेप है आपका एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की. सेकंड स्टेप में हाफ सर्कल ड्रॉ किया जो इस स्लिपिंग लाइन को टच करता है ना, जुड़ता हुआ इससे. एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, है ना. तो ये बन गया स्मॉल ई, ई फॉर एलिफेंट. फाइन, लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट वी ड्रॉ ऑन एंड ट्रेस द डॉट्स इस तरह से.
आपने पेंसिल कहाँ रखी बच्चों? सबसे पहले इस रेड डॉट पे, ठीक है। ये जो दिया है स्लिपिंग लाइन, सबसे पहले हम इस स्लिपिंग लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये बन गया स्मॉल ई। और एक चीज़ देखना बच्चों कि स्मॉल लेटर टू लाइन्स के अंदर ही कंप्लीट होते हैं, है ना। इन टू लाइन्स के बिटवीन ही लिखे जाते हैं, ड्रॉ होते हैं। ये देखिए, ये टू ब्लू लाइन्स है, इसके अंदर ही आपको ये लिखना है। चलिए अब विदाउट डॉट्स वाले करते हैं। ये जो रेड डॉट दिया बच्चों, यहाँ अपनी पेंसिल रखेंगे, एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये टू ब्लू लाइन्स को ज्वाइन करते हुए, टच करते हुए आप ये हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये बन जाएगा स्मॉल ई। फिर से देखिए इस तरह से स्लिपिंग लाइन और हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, ये बन गया आपका स्मॉल ई। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, इस तरह से। इसमें आपने हाथ नहीं हटाया है, बिल्कुल पेंसिल नहीं उठानी है आपको, और एक ही बार में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर से देखिए, पुट योर पेंसिल ऑन रेड डॉट एंड मेक ए स्लिपिंग लाइन, और इसी से जोड़ के बेटा, अब हाथ नहीं हटाएंगे, है ना। और इसी को आप यहीं से आप एक हाफ सर्कल ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से रेड लाइन ब्लू लाइन पर टच करेंगे और इस स्लिपिंग लाइन पर टच होगा और नीचे ब्लू लाइन पर टच होकर आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आपको पेंसिल नहीं उठानी है, एक ही साथ इसको ड्रॉ करना है, स्लिपिंग लाइन हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन, इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे, और सर्कल कहाँ कहाँ टच हो रहा है? ब्लू, दोनों ब्लू लाइन्स में, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने पेंसिल नहीं हटाई है ना, इस तरह से पूरा एक साथ बनाना आना चाहिए आपको। E for elephant and E for engine also and E for egg, ठीक है। चलिए ये कैपिटल स्मॉल ई कम्प्लीट हुआ हमारा, ये पेज कम्प्लीट करना है आपको। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा बच्चों F, F for fish, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? F, F for fish। अब कैपिटल F देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं कैपिटल F, तो हम ई की तरह ही बच्चों इस पर भी ई की तरह बनाना होता है, लेकिन इसमें टू स्लिपिंग लाइन आती है ओनली, है ना। जो अल्फाबेट ई था ना, उस तरह से सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम एक स्लिपिंग लाइन और थर्ड स्टेप में एक और स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। बस इसमें टू स्लिपिंग लाइन ही आती है ना। और ये दोनों स्लिपिंग लाइन किससे जॉइंट होती है? स्टैंडिंग लाइन से, इनसे जुड़ती है ना, इसको टच करती है, इसको बिल्कुल जुड़ती है। ये बनता है एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, फाइन। लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट वी ड्रॉ एक स्टैंडिंग लाइन एंड देन फर्स्ट स्लिपिंग लाइन एंड सेकंड स्लिपिंग लाइन, तो ये बन गया एफ। ये देखिए इस तरह से इन डॉट्स को ट्रेस करेंगे और टू स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन गया एफ। नेक्स्ट यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ ब्लू लाइन पर टच होगा, है ना, थ्री लाइन्स के अंदर बनते हैं। फिर फर्स्ट स्लिपिंग लाइन एंड सेकेंड स्लिपिंग लाइन, ये बन गया हमारा एफ। F for fish, F for frog, इस तरह से बहुत अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे बच्चों, प्रॉपर ढंग से आपको लिखना आना चाहिए। और आप अपने हाथों से खुद लिखेंगे बच्चों, अपने आप पेंसिल चलाएंगे, फाइन। चलिए नीचे की ओर करते हैं, इस पेज को कंप्लीट करेंगे। स्टैंडिंग लाइन कहाँ तक ड्रॉ करी बच्चों हमने? इस रेड लाइन से लेके नीचे ब्लू लाइन तक, यहाँ तक। फिर टू स्लिपिंग लाइन हमने रेड और ब्लू लाइन पे ड्रॉ किए, तो ये बनता है हमारा एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग, इस तरह से। ठीक है, चलिए स्मॉल एफ लिखना सीखते हैं, अल्फाबेट एफ और स्मॉल लेटर में, ठीक है।
चलिए कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिए अब सबसे पहले स्टेप समझते हैं। आप बच्चों क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप करेंगे कि आपको एक ऊपर से रेड लाइन से यहाँ से है ना ऊपर से एक हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है और फिर यहाँ ला के आपको एक स्ट्रैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये पूरा एक फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। और सेकंड स्टेप में आपको जो स्ट्रैंडिंग लाइन है उसके बीच में आपको एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से छोटी। ठीक है, तो ये टू स्टेप में एफ कम्प्लीट होता है। इसको जो इसको क्रॉस करती है स्ट्रैंडिंग लाइन को इसको क्रॉस करेगी कट करेगी वो एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेगी। तो ये बनता है एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग। ठीक है, चलिए इसमें डॉट्स में समझते हैं हम। देखो ये जो रेड डॉट है बच्चों, यहाँ से आप पेंसिल रखेंगे और एक हाफ सर्कल छोटा सा ड्रॉ करके फिर आप एक स्टैंडिंग लाइन नीचे तक यहाँ तक ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट। सेकंड स्टेप में यहाँ ब्लू लाइन पे, इस ब्लू लाइन पे आप एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसको क्रॉस करती है, किसको टच करती है और किसको काटती है, इस स्टैंडिंग लाइन को। ठीक है, इसको क्रॉस करती है ऐसे। ठीक है, तो ये बनता है एफ, स्मॉल एफ। फिर से कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए यहाँ पे डॉट्स नहीं है बच्चों, इसमें ये विदाउट डॉट है। इसको हम ट्रेस कर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे अपनी पेंसिल रखी और इस तरह से छोटा सा हाफ सर्कल किया ऊपर, फिर स्टैंडिंग लाइन की यहाँ तक ब्लू लाइन तक, और यहाँ आपको स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यस एफ इस तरह से। बस एक बार पेंसिल हटेगी है ना बच्चों, एक बार पेंसिल को उठाना है आपको। कैसे कर रहे हैं फिर से देखिए, एक बार तो आपको पूरा इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ करके एक स्टैंडिंग लाइन ये पूरा एक साथ कंप्लीट करना है ना। और सेकंड स्टेप में आपको पेंसिल उठाई आपने, हटाई यहाँ से और यहाँ एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर दी छोटी। ठीक है, तो ये बन गया एफ, स्मॉल एफ। फिर से देखते जाइए और रीड करते जाइए, एफ फॉर फेस, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फेस, एफ फॉर फ्रॉग, F for face, F for frog, and F for fan also. Fine, F for fan भी होता है बच्चों, बहुत से वर्ड्स होते हैं F से। F, small F. ये कैपिटल और स्मॉल लेटर बच्चों आप प्रीवियस क्लास में भी सीख के आए हैं, कि आपका फिर से रिविज़न हो रहा है ताकि आप भूले नहीं, आपको लर्न आ जाए, अच्छे से लर्न हो जाए, उसके बाद हम कर्सिव लेटर सीखेंगे। फाइन, नेक्स्ट टर्न योर पेज। एफ के बाद अल्फाबेट आफ्टर बच्चों जी, अल्फाबेट एफ आफ्टर जी। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है जी। अब देखिए कैपिटल जी कैसे बनाते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप में आपको एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से यहाँ तक थोड़ा अंदर ले जाना है, और सेकंड स्टेप में आपको एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है जिसको टच होके इसको ज्वाइन करते हुए बनेगी, और थर्ड स्टेप में एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फाइन, ये बनता है जी, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल। फाइन, देखिए डॉट्स को देखते हैं बच्चों। ये हमने फर्स्ट स्टेप में एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया है जो ऊपर रेड लाइन से टच करके नीचे ब्लू लाइन पर टच होता है और उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में इसी को टच करते हुए एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, और थर्ड स्टेप में एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ है ना, नीचे इन ब्लू लाइन्स के अंदर। तो ये बनता है जी, कैपिटल जी, जी फॉर गर्ल एंड जी फॉर ग्रेप्स। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ से पेंसिल रखेंगे और इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ये बनता है जी, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गोट, गोट भी होता है बच्चों, जी फॉर गोट भी होता है, और जी फॉर गर्ल एंड जी फॉर ग्रेप्स। और ये जी लिखते समय बच्चों ध्यान रखना आपको पेंसिल नहीं हटानी है, आपको एक ही साथ इसको कंप्लीट करना है। फिर से देखिए ध्यान से, एक बार में इस लेटर को लिखना है आपको। यहाँ से आपने पेंसिल रखी, इस तरह से एक हाफ सर्कल बड़ा ड्रॉ किया जो रेड लाइन से ब्लू लाइन पे टच हो रहा है, उसको अंदर ले गए, थोड़ा सा एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करिए अंदर से टर्न करके, फिर स्लिपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। फिर से देखिए इस तरह से, ये बनता है अल्फाबेट जी। ये देखिए पेंसिल नहीं हटेगी आपको, आप एक के साथ इसको ड्रॉ करेंगे और थ्री लाइन्स के अंदर बन रहे हैं ना, थ्री लाइन्स में ये कंप्लीट होती है।
जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स। फाइन, ये नीचे तक कंप्लीट करके बच्चों हम लिखेंगे स्मॉल जी, अल्फाबेट जी, और ये जी कौन सा ड्रॉ करेंगे हम, स्मॉल लेटर, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो लेफ्ट टू राइट इस तरह से, और सेकंड स्टेप में आपको ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करते हुए नीचे लाना, और नीचे ला के उसको थोड़ा टर्न करना है ना, इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से घुमा देना है, और किस साइड, अपने लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर इसको टर्न करना है। तो ये बनता है स्मॉल जी, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। फिर चलिए, फर्स्ट स्टेप में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, कहाँ पे बना सर्कल बच्चों, ये टू ब्लू लाइन्स के अंदर। फिर हमने सेकंड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन नीचे लेके आया और उसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न कर दिया, इस तरह से ब्लू लाइन पे टच होके, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये स्मॉल जी हमको ऊपर से नहीं बनाना है, नीचे ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है ना, इन टू ब्लू लाइन्स के अंदर बनता है और नीचे नीचे वाले रेड लाइन पे टच होते हैं। फाइन, ये ऊपर की लाइन्स हमें खाली छोड़नी होती है, यहाँ से नहीं बनता, यहाँ नीचे से बनता है ये ब्लू लाइन से, ठीक है। देखिए फिर से, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, इस तरह से आपको हाथ नहीं हटाना है, आपको एक ही साथ इसको ड्रॉ करना है। फिर से देखिए, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रेड लाइन पर डॉट को यहाँ से टच किया और एक सर्कल ड्रॉ किया लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसके बाद स्टैंडिंग लाइन को इसको ज्वाइन करते हुए लाए, नीचे ला के टर्न कर दिया, है ना। आपने पेंसिल भी नहीं हटाई और आपका जी एक के साथ में कंप्लीट हो गया, ऐसे स्टैंडिंग लाइन को ऊपर से लेके आना है ब्लू लाइन पर टच करके, ये ऐसे जी, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स, एंड जी फॉर गर्ल, एंड जी फॉर गोट। नीचे वाले लेटर स्ट्रेस कर रहे हैं, ये ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से पूरा सर्कल ड्रॉ करो, उसको स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए नीचे ले जाके आपको थोड़ा सा उस लाइन को टर्न करना है, एक मोड़ना है ना, कैसा लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मोड़ देते हैं। ये बनता है स्मॉल जी, जी फॉर गोट, एंड जी फॉर गॉड ऑल्सो, सॉरी, इसको नीचे रेड लाइन तक टच करना है बच्चों। ये फुल पेज कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। ये आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर बच्चों, दोनों लेटर आपको खुद से लिखने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों अल्फाबेट एच, अल्फाबेट एच कैपिटल एच है बच्चों, हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं ये पेज भी। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, सेकेंड स्टेप में दूसरी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो थोड़ी इससे दूर होगी, है ना, इससे गैप करना, डिस्टेंस रखना। ये जो दो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ होगी बच्चों, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। उसके बाद दो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है थर्ड स्टेप में, जो इन दोनों स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करती है ना, टच करती है, ज्वाइन करती है। तो ये बनता है एच, एच फॉर हैट। नेक्स्ट, चलिए बच्चों अब इसको लाइन्स पर ड्रॉ करना सीखते हैं, एच फॉर हाउस, है ना। कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपने इसको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, सेकंड स्टेप में अदर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, और थर्ड स्टेप में इन दोनों स्टैंडिंग लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, है ना, बीच से स्लिपिंग लाइन से। तो ये बन गया एच, कैपिटल एच। फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप स्टैंडिंग लाइन जो रेड से ब्लू लाइन पर टच होती है, सेकेंड स्टेप में थोड़ा डिस्टेंस करके, थोड़ा सा गैप रख के हम दूसरी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसके इक्वल, ठीक है। और थर्ड स्टेप में बीच में से एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, ठीक है ना, जोड़ता है इस तरह से। तो ये बन गया एच, एच फॉर हाउस, एच फॉर हॉर्स, एंड एच फॉर हैंड।
इस तरह से बोलते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे, है ना। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हम? इस रेड डॉट से। ये बताया ना मैंने पहले भी आपको कि रेड डॉट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा गैप करके अदर स्टैंडिंग लाइन और बीच में से स्लिपिंग लाइन। एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हर्ट, एच फॉर हैंड, एच फॉर हर्ट्स, एच फॉर हैंड, एच फॉर हर्ट। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन्स कंप्लीट करेंगे। कैपिटल एच, क्या लिख रहे हैं बच्चों हम? कैपिटल एच, इस तरह से, ठीक है। ये पूरी लाइंस कंप्लीट की हमने यहाँ तक, और आपको खुद से बनानी है बच्चों। सारे अल्फाबेट आपको जेड तक कंप्लीट आने चाहिए, है ना, रीड करने भी और राइट करने भी, मतलब आपको लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए। आपको रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम करेंगे स्मॉल एच, अल्फाबेट एच, स्मॉल स्मॉल लेटर। देखिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक इस तरह से टर्न करते हुए, इस तरह से सेकंड स्टेप में हम इस तरह से राइट हैंड साइड पे अपना टर्न करके एक इस तरह से एक टर्न लाइन बनाते हैं, है ना, कर्व की तरह। तो ये बनता है एच, स्मॉल एच, एच फॉर हैंड। देखिए यहाँ से हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, और ये जो ब्लू लाइन है बच्चों, यहाँ से हम एक इस तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, एक स्लोप में एक लाइन ड्रॉ करते हैं राइट हैंड साइड पे, इस तरह से। ये बनता है एच, एच फॉर हैंड। टू स्टेप में कंप्लीट हो जाता है बच्चों ये। वैसे ये टू स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये नीचे की लाइंस भी कंप्लीट करेंगे, पूरा फुल पेज आपको करना आना चाहिए। इस तरह से हमने तो बच्चों आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है? एस तक, है ना, अल्फाबेट ई से स्टार्ट करके हमने ई एफ एंड जी एच एस तक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप भी अपनी इसमें राइटिंग बुक में बच्चों ये अल्फाबेट एस तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में, और आपको खुद को ड्रॉ करना है। फाइन, थैंक यू।